जीत जनता की जीत है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो लड़ाई लड़ी गई है और जो जनादेश जनता ने माननीय मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी को दिया है, उसके लिए इस देश की जनता बधाई की पात्र है। और मैं सभी देशवासियों को, समस्त कार्यकर्ताओं को इस बात की बधाई देता हूँ कि वो जिस प्रकार से इन राज्यों के नाम में तन मन धन से लगी है, इसी प्रकार से आने वाले लोकसभा चुनाव में पूरे मनोयोग से चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को और माननीय मोदी जी को जीत का श्रेय बांटने के लिए तत्पर रहेगी। मैं इस अवसर पर अमरोहा की पब्लिक को भी यह संदेश देना चाहूँगा कि वो अभी से ही पूरे जान से आने वाले लोकसभा चुनाव में लग जाएं और भारतीय जनता पार्टी को पूरा सहयोग करें और जहाँ जहाँ हम लोग ही जब जरूरत है हम लोग जाएंगे और पूरे जोर जोर शोर से चुनाव लड़ाएंगे। माननीय मोदी जी के साथ साथ जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय नकवी साहब, माननीय जो और भी हमारे जो संभावित वहाँ के मुख्यमंत्री थे, पूरे जोर से उन्होंने चुनाव लड़ा है और पूरे तन मन धन से चुनाव लड़ा है। मैं समझता हूँ कि जीत भाजपा के साथ साथ पब्लिक की है, वहाँ के लोगों की जीत है। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट दिया है, वहाँ के विकास के नाम पर वोट दिया है। इसके लिए ये जो हमारा भाजपा नेतृत्व है, जो केंद्रीय कार्यकारिणी है, वो बधाई की पात्र है। साथ साथ दिल्ली और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के जो संभावित मुख्यमंत्री हैं उनको भी बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से यहाँ पर ये सेमीफाइनल था तो यहाँ पर जिस प्रकार कमल खिला है उसी प्रकार से पूरे देश में कमल की एक लहर दौड़ेगी और तब तक लगभग 400 सीटें के लगभग भाजपा प्राप्त करेगी और अपने मुद्दे सरकार बनाएगी। ये जीत पब्लिक की जीत है, जनता की जीत है, आम कार्यकर्ता की जीत है, माननीय मोदी जी की जीत है।